आज की वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले रेड बटन दबा के कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फेसबुक पेज का यूज़र आईडी कैसे चेंज करते हैं या कैसे ऐड करते हैं। तो फेसबुक आईडी, यूज़र आईडी का ये एडवांटेज है कि आप किसी को एक यूनिक आईडी होता है जो कि आपके नाम पे भी हो सकता है या कोई भी नंबर से भी हो सकता है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये आप अगर यूनिक यूज़र आईडी आपके नाम पे है तो कोई भी पब्लिक आपको सर्च करेगी गूगल पे या फेसबुक पे तो आपका सिर्फ नाम वहाँ पे एंटर करते ही आपका फेसबुक पेज फ्रंट पे आ जाएगा। तो इससे आपका कोई भी फॉलो करना चाहता है तो वेरी इजीली आपको फॉलो कर सकता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ यूज़र आईडी का एडवांटेज और क्या फ़ायदे हैं उसके। तो यहाँ पे मेरा यूज़र आईडी है फेसबुक का अली हुसैन SA। तो इसको सर्च करके देखते हैं। देखिए गूगल पे डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे, ये ट्विटर अकाउंट का है और ये मेरा लिंक्डइन का है। तो और ये थर्ड नंबर पे अली हुसैन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखेंगे। तो ये रहा मेरा फेसबुक यूज़र आईडी अली हुसैन SA। तो दिस पे क्लिक करेंगे बहुत इजीली आपको सर्च किया जा सकता है अगर यूज़र आईडी आपका सही है तो। ये देखिए ये मेरा ओपन हो गया फेसबुक पेज और यूज़र आईडी एकदम राइट था। तो इससे आपको सर्च करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए यूज़र आईडी आपको देना चाहिए। ये यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी अली हुसैन SA। यहाँ पे बहुत आसानी से सर्च किया जा सकता है, ये देखिए। तो आइए इसको देख लेते हैं चेंज करके कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी ब्राउजर पे आप जाएंगे, वहाँ पे फेसबुक FB क्लिक एंटर करेंगे, यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन अप साइन इन का ऑप्शन आएगा, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक कर दे आपको फेसबुक लॉगिन रहेगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं, तो अगर फेसबुक क्रिएट करना आप नहीं जानते हैं तो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। उसके बाद ये देखिए कि फेसबुक यूज़र आईडी कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ साइड कॉर्नर में आप देखेंगे कि यहाँ पे साइड कॉर्नर पे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एरो नीचे की तरफ दे रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा अली हुसैन लिख रहा है ऊपर वाला, तो वो मेरा ओल्ड पेज है और एक मैंने डेमो पेज बना रखा है दिखाने के लिए, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे कि आपका पेज ओपन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये यूज़र क्रिएट यूज़र आईडी, अभी यूज़र आईडी इसका मैंने दे नहीं रखा है, इस वीडियो में मैं इसको ऐड करूँगा यूज़र आईडी। तो ये देख लीजिए मैंने नया बनाया हुआ है, पिछले वीडियो में ही बनाया था इस पेज को। तो आपको यूज़र आईडी क्रिएट करना है तो जस्ट ये यूज़र आईडी पे क्लिक कर देंगे, एक ऑप्शन ये होता है और एक सेटिंग में जाके ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी यहाँ पे यूनिक होना चाहिए, आप किसी का कॉपीराइट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, इसका यूनिक आईडी होता है ये। तो यहाँ पे एंटर करके देख लेते हैं क्या किसी ने बना रखा है ये यूनिक आईडी। यहाँ पे बोल रहा है यूज़र आईडी है ये ऑलरेडी किसी ने बना रखा है, तो यहाँ पे 0 एंटर करके देखते हैं लेकिन किसी ने बनाया क्या। तो ये बनाया नहीं है किसी ने भी, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, यहाँ पे देखें ग्रीन सिग्नल आ गया। तो आप यहाँ से यूज़र आईडी क्रिएट के क्लिक कर देंगे। अब जैसे यूज़र आईडी यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोल रहा है आर यू ऑलरेडी
दिस यूज़र आईडी हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अली। ये देखिए, जूम कर देता हूँ मैं, अब इसको देख ले, यहाँ पे लिख रहा है यूज़र आईडी क्रिएटेड है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है, तो इसको ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये ओके जैसे क्लिक किया हमने, यहाँ पे रिफ्रेश होगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो यूज़र आईडी मेरा क्रिएट हो रखा है, ये रहा मेरा यूज़र आईडी आ गया यहाँ पे। तो इस तरह आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र आईडी क्रिएट करने का बहुत बेनिफिट है कि इंस्टेंट आप सर्च करेंगे तो आपके रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे आप सर्च करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे सर्च करके मैं अपना पिछला यूज़र आईडी, ओल्ड यूज़र आईडी सर्च करके देखता हूँ आता है कि नहीं। यहाँ पे अली हुसैन SA मैंने लिख दिया और क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया, ये देखिए मेरा फर्स्ट में ही आ गया, ये रहा मेरा पेज, इसका यूज़र आईडी मैंने क्लिक किया है। तो इस तरह करके आप अपना यूज़र आईडी किसी को बता के फॉलो करवा सकते हैं, या किसी कोई मांग रहा है आपका आईडी तो आप ये दे सकते हैं। तो इस तरह अपना यूज़र आईडी बना ले, यूनिक आईडी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कीप वॉचिंग।